कल SRH और MI का मैच हुआ और इस मैच में सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। साथ ही इसमें हार्दिक पांड्या को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। मेरे पास काफी सारी अपडेट है तो वीडियो का एंड तक जरूर से देखो। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। हार्दिक पांड्या ने कल 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 20 बॉल में 24 रन बनाए जबकि बाकी प्लेयर 150 प्लस स्ट्राइक रेट से खेले। और यही रीजन था कि इरफान पठान ने एक ट्वीट किया जहां पे लिखा था कि जब पूरी टीम इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रही है, कैप्टन ऐसा कैसे खेल सकता है 120 बस के स्ट्राइक रेट। साथ ही हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद एक MI फैन SRH के ग्राउंड में गया था लाइव मैच देखने। उसने रिकॉर्ड किया जहां पे हार्दिक पांड्या को लोग गाली दे रहे थे एंड काफी ज्यादा उन्हें बू किया जा रहा था और काफी ज्यादा चिढ़ाया जा रहा था। आप इस क्लिप को खुद देख लीजिए। हार्दिक पांड्या की बात आई गई है तो मैं आपको बता दूं कि हार्दिक पांड्या को जो लोग ऑफलाइन देख रहे थे उन्होंने चप्पल मारी स्क्रीन में। आप देख सकते हैं इसका वीडियो इंस्टाग्राम में एक यूजर ने अपलोड किया। ओए डिस्प्ले फूट जाएगी। अब इतना कुछ होने के बाद जब ये हाईएस्ट टोटल बन गया, RCB का रिकॉर्ड टूट गया, तो इसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हार्दिक पांड्या से पूछा गया कि मैच कैसा था और आपकी बॉलिंग इतनी खराब क्यों हुई। तब लिटरली भाई हार्दिक पांड्या ने बोला कि हम काफी अच्छे प्लेयर थे, काफी अच्छी बॉलिंग करा सकते थे लेकिन हम यंगस्टर्स को ट्राई कर रहे थे और पूरे ओवर करवा रहे थे, इसलिए हम इस मैच को हार गए, नहीं तो हम जीत सकते थे। इसके कारण हार्दिक को और हेट मिलने लग गया। काफी लोग हार्दिक को हेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हार्दिक ने 20 बॉल में 24 रन बनाए, MI इस मैच को 31 रन से हारी। यदि हार्दिक 20 बॉल में 51-52 रन बनाते तो टीम जीत जाए। वैसे आपने कल का मैच पूरा देखा था कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।